नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक पति की गुहार सुनकर पुलिस थाने में बैठे अधिकारी हैरान रह गए जब एक पति पुलिस थाने में अपनी पत्नी की शिकायत करने के लिए पहुंच गया। पति ने कहा कि उसकी पत्नी रात में देर तक मोबाइल चलाती है जिसके कारण वो सुबह देर तक सोती रह जाती है। इसके साथ ही पत्नी को लेकर कई बातें बताई जो कि चौंकाने वाली थी। तो क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक पति की गुहार सुनकर पुलिस थाने में बैठे अधिकारी हैरान रह गए। पति पुलिस थाने में अपनी पत्नी की शिकायत करने के लिए पहुंच गया। पति ने कहा कि उसकी पत्नी रात में देर रात मोबाइल चलाती है जिसके कारण वो सुबह देर तक सोती रह जाती है। पत्नी के देर तक सोने के कारण पति को ऑफिस भूखे पेट जाना पड़ रहा है। जब पत्नी सुबह सोकर उठती है तब तक पति ऑफिस जा चुका होता है। पति इसी बात से तंग आकर पत्नी से अलग होने के लिए थाने पहुंच गया। पति ने थाने में गुहार लगाई कि उसे अपनी पत्नी से छुटकारा चाहिए, समय से खाना न मिलने से मेरा स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है, ऐसी पत्नी के साथ मुझे नहीं रहना है जो समय पे मुझे खाना भी न दे सके। युवक की बात सुनकर पुलिस ने पहले तो मुकदमा दर्ज किया, फिर बाद में दोनों पति पत्नी को समझा बुझा कर घर भेज दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आजकल ऐसे मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं जिसमें पति पत्नी जरा जरा सी बात पे थाने पहुंच जाते हैं, जिनमें कुछ मामलों में तो समझा बुझाकर मामले का निपटारा कर दिया जाता है तो कुछ में केस दर्ज करने पड़ते हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक 1500 मामलों में समझाकर विवाद को सुलझा दिया जा चुका है तो वहीं 400 ऐसे मामले हैं जिसमें केस दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कहीं पत्नी के झगड़ने पे मायके चले जाने के कारण तो कहीं पति के बिजी रहने के कारण आए दिन पति पत्नी इन मामलों को लेकर पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं, जिनमें से कुछ की तो काउंसलिंग कर दी जाती है और मामलों का निपटारा कर दिया जाता है तो वहीं कुछ मामलों में दोनों की सहमति न बनने से केस दर्ज करने पड़ते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।